लस्सी बिन को लव सीजन भी बोला जाता है, पर फिर रेनी सीजन में स्किन और हेयर का प्रॉब्लम देखा जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं स्किन के लिए स्पेशली एक टिप दिखाऊंगी रेनी सीजन के लिए, मॉनसून में कैसे आप अपने स्किन का ख्याल लेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बना के दिखाऊंगी, और इसको अपने ऊपर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। इस टिप्स को आप इस सीजन में अप्लाई करेंगे तो आपका स्किन जल्दी बनेगा, और आपका स्किन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इस सीजन की वजह से सभी से आपको राहत मिलेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या लेना है और इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है। पर फिर इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे से मेरा जो भी अच्छा अच्छा वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स मैं इसके बाद भी इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और सब्सक्राइब बटन के पास ही देखिए एक बेल बटन भी है, उसको भी क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसके तुरंत बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं इस टिप के लिए आपको क्या क्या लेना है और इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए पहले मैं एक क्लींजर बना के दिखाऊंगी और उसके बाद पैक कम मॉइस्चराइजर बना के दिखाऊंगी। ये दोनों टिप्स को आपको अप्लाई करना है और मैं इसको बनाने के बाद अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी। पहले तो मैं क्लींजर बना लेती हूँ। क्लींजर बनाने के लिए आपको लेना है रॉ काउ मिल्क और लेना है लेमन। इससे क्लींजर बहुत अच्छा बनता है। पहले आपको 2 से 4 चम्मच मिल्क लेना है, उसके बाद इसमें लेमन ऐड करना है। फिर दूध में लेमन ऐड करते ही दूध छेना बन जाएगा, तो ये छेना को भी आपको अप्लाई करना है क्लींजिंग की तरह। दूध और लेमन एक साथ मिक्स होने के साथ ही साथ ये छेना हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको इसमें लेमन ऐड करना है, और ये जब छेना बन जाएगा उसके बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छा है मॉनसून के लिए। इस सीज़न में इस क्लींजर से आप स्किन को क्लीन करेंगे तो आपका स्किन में जो भी डर्ट है सभी को ये रिमूव कर देगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद देखिए ये पूरा छेने की तरह हो गया है। अभी इस पानी से आपको क्लींजिंग करना है, तो मैं इसे रख देती हूँ। इसको और थोड़ा छेना होने के लिए टाइम देती हूँ, उसके बाद मैं इसको क्लींजिंग की तरह अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं पैक कम मॉइस्चराइजर को बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इस सीजन में फूड फेशियल बहुत अच्छा रहता है, तो मैं अभी जो पैक कम मॉइस्चर बनाऊंगी उसमें फूड भी ऐड रहेगा। तो फूड फेशियल तो मैं इससे पहले ही बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी जो मैं पैक बना रही हूँ उसके लिए भी मैं थोड़ा बहुत फूड को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने केला लिया है, केला बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। और उसके साथ मैं ऐड करूँगी दही को, और उसके साथ मुझे ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी। इन तीनों से ये पैक कम स्क्रबर बनेगा। ये थोड़ा सा ही केला मैं ले रही हूँ, ये जस्ट इतना सा, देखिए ये 1/2 इंच साइजेस होगा। आप केला ले लीजिए और उसके बाद इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड कीजिए, और उसके साथ आपको 1/2 चम्मच दही ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा भी मैंने पानी ऐड नहीं किया है, ये विदाउट वाटर ही आपको यूज़ करना है। ऐसे ही आपको पैक को बना लेना है। ये पैक मेरा बन चुका है। अभी चलिए मैं इस पैक को और इस क्लींजर को अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। दोनों ही मॉनसून स्पेशल है, इन दोनों को ही मैं अपनी स्किन में अप्लाई करके दिखाऊंगी। इन दोनों को फिर सब हफ्ते में 2-3 दिन यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। इस सीज़न में बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्किन का स्ट्रक्चर को ये नॉर्मली रखेगा, कि आपका स्किन को ब्राइट भी बनाएगा, आपका स्किन में जो भी डार्ट है उसको रिमूव करेगा, और उसके साथ ही साथ स्किन का मॉइस्चर को बैलेंस में रखेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसका बेनिफिट ले पाए। तो चलिए अभी मैं इन दोनों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये है मेरा क्लींजर,
इस क्लींजर से मैं पहले अपने चेहरे को 2 मिनट मालिश करूँगी, उसके बाद एक कॉटन से या कोई भी नैपकिन से आपको उसको पोंछ लेना है, क्लींजर को रिमूव कर लेना है। 5 मिनट इससे मालिश लेना है, उसके बाद रिमूव करके नॉर्मल वाटर से धो लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉडी टॉप से इसके अप्लाई करने से पहले आपके चेहरे को पूरा अच्छे से साफ कर लेना है। इस क्लींजर से 5 मिनट मालिश लेने से आपका स्किन में जो भी डार्क है वो पूरा रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरा आपका स्किन का अंदर का लेयर तक चला जाएगा और इसको पूरा अंदर से रिमूव कर देगा। तो मैं थोड़ा बहुत ही मालिश करके दिखा रही हूँ आपको, 5 मिनट मालिश लेना है और उसके बाद कॉटन से रिमूव कर देना है। हो गया, अभी आपको चेहरे को धो लेना है। तो धोने के बाद इसे पोंछ लेना है और उसके बाद आपको पैक करना है और इस पैक को लगा के फिर आपको 10 से 15 मिनट चेहरे पे रख लेना है और 10 से 15 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना है। मैंने पैक को लगा लिया है, मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखूंगी, उसके बाद ये दिखाऊंगी। 10 से 15 मिनट बाद फ्रेंड्स मेरा पैक अभी थोड़ा बहुत ड्राई हो गया है, अभी मैं इसको धो डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स धोने के बाद मेरा फेस कितना ब्राइट हो गया है और मेरा स्किन में एक ग्लो भी आ रहा है और मैं फील कर पा रही हूँ मॉनसून सीजन में जरूर ट्राई कीजिए और इसको आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन यूज करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो देख के कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, आपके बहुत सारे फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए और इसको इस्तेमाल करना मत भूलिए। इसको सिर्फ आप रेनी सीजन यानी मानसून सीजन में जरूर अप्लाई कीजिए और अपने स्किन को और भी बेहतर बनाइए। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।